डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बार बार क्लिनिक के चक्कर ना लगाऊं, बल्कि अपने अहमद के पास बैठूं। मैं भी कितना बेबस हूं ना सबा, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ अंसारी अंकल को बता दें, सबा भाभी उनकी बेटी है, अगर उनसे छुपाया तो कल को गिला करेंगे। उन्होंने तो अपनी जिद प्यारी है, कभी नहीं पूछा मेरी ती किस हाल है, जीती है कि मर रही है। आ गई सबा। आपको कैसे पता चला? आपकी तो आंखें बंद हैं। सबा आंखें खुली अब है मेरी, मुझे तेरा बड़ा इंतजार था। मेरा इंतजार आपको? हाँ, अपने साथ तू मेरे दिल का टुकड़ा जो ले गई थी, इंतजार तो होने ही था ना तेरा। और मुझे ये खुशफहमी के शायद आपको मेरा इंतजार था, लेकिन आपको तो आपके बच्चे का इंतजार था, है ना? मैं तेरे मेरी बड़ी ज्यादती की थी, मुझे पता है मैंने तेरी हाय लगी, मैं जिंदगी भर रास्ते मुताज हो गया। ओए चौधरी अहमद को माफ कर दे। अहमद? खुदा के लिए ऐसा मत कहें, क्यों मुझे गुनाहगार करें? अहमद, वादा करे मुझसे, चाहे हमारी जिंदगी में जो भी देना है, आप इस तरह से मायूस नहीं होंगे। मैनू नेक बखत दा बड़ा इंतजार ही, दुनिया च जदों आएगा साडी जिंदगी च रंग आ जाणगे, यकीन कर मेरा। ओ मैं अपनी अपनी मुन्ने नू गोद खिडावांगा। ओ घोड़ा, मैं तो मुताज हो गया, मैं तो हिल भी नहीं सकता। वादा करें मुझसे, आज के बाद आप मेरे सामने इस तरह से नहीं रोएंगे। पहले भी कीता सी वादा, फिर वादा कर नहीं रोवांगा। नहीं रोवांगा। वेख लीती है ना रिपोर्टा, हुन दस की होएगा, ऑपरेशन होएगा ना? दादी जी,
सबा भाभी का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। हेलो हेलो अली, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? नेहा भाभी अब क्या करेंगी सबका हाल जान के? अली प्लीज मुझे बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बताओ सबा कैसी है? सबा भाभी की हालत बहुत खराब है। नेहा देख आके, सबा मरती गई है। उन्होंने नानू भी ले गया। दादी जी मुझे दें फोन। भाभी आप प्लीज परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो अली, अली मुझे कुछ बताओ तो सही। हेलो हेलो लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है। देखो यहाँ वो हुस्न की बात काशी, तू बाज नहीं आएगा है? तुझको मैंने मना किया ना कि ना जाके बैठा कर उन लोगों में, दुश्मन है वो हमारे पागल। क्यों सुनूं आपकी बात है? देख काशी, तू मेरा दिल ना जलाया कर बेटा, पता नहीं तू किस पे चला गया है। हाय मेरे सरताज तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं थे। जिस बात से मैंने उनको एक दफा मना कर दिया ना, बस वो मना हो जाते थे, कभी भी नहीं फिर वो नाफरमानी करते थे मेरी ना। मैंने कहा कि आपने अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी, तो उन्होंने कभी भी नहीं देखी। वो बेचारी ऐसे ही चली गई ऊपर। आपको पता है वो औलाद इतने बदनसीब होते हैं जिनके माँ बाप नाराज होकर ऊपर चले जाते हैं। बेहोश हो रही है। मैं क्यों बदनसीब हूँ भाई? मुझे तू किस उस प्रोग्राम में बदनसीब कह रहे? मेरी तो अपनी शुगर मिल चलने वाली है, शुरू होने वाली बेटा हमारी। और अब जब तेरी छुट्टियां होंगी ना, तो हम दोनों माँ पुत्र ना पिंड जाएंगे हैं। तो मैं तुझे अपनी मिल की ना, हमारी मिल की ना जो चीनी होगी ना, उससे तुझे हलवा बना के ना खुद खिलाऊंगी अपने हाथों से। ये चीनी जो है ना जहर बन जाएगी अगर नानी जी नाराज हुई तो। ये ले देखे जाके नानी जी हर वक्त इस एक ही राग लापता रहता है। ये नहीं देखता कि भला मेरी माँ को उन्होंने कैसे मारा, धक्का दिया, थप्पड़ वगैरह लगाए हैं ना। है को ऐसे को करते होते हैं अपनी बेटियों के साथ सलूक, क्यों इतनी इतनी बड़ी बेटियों को चपेड़े मारे और उनको धक्के दें। मैं तो भूल ही नहीं सकती ना, जो बेबे ने मेरे साथ सलूक किया ना, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। मेरी कोई इतनी सी भी इज्जत नहीं है इस घर में। इसको तो कुछ नजर ही नहीं आता, पागल को मोटे को मुझे ही कोसता रहता है, मेरे में नुक्स निकालता रहता है। बेचारी मजबूर औरत हूँ मैं, बेवा। गाने ही देख लेती हूँ। ये रहा हमारा एग्रीमेंट, चेक में तुम्हें पहले ही भिजवा दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, कॉपीज तुम्हें बाद में भिजवा दूंगा इसकी। मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा बिजनेस रिलेशनशिप बिजनेस की दुनिया में इंकलाब ले आएगा। I'm sure. सर, असाइनमेंट मैंने तैयार कर लिया और सारा सामान शिपमेंट के लिए भी बुक करवा दिया। ओके, मैं देखता हूँ। बहुत खूब।
अंकल के बिजनेस ओनर आज नौकरी कर रहे हैं। तुम घटिया आदमी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझसे बात करने की? जस्ट शट अप। मत भूलो कि साले और भेनोई का रिश्ता है हमारे घर में। मिस्टर हमाद, आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, सर मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। ये घटिया शख्स है सर, लुटेरा है ये, खून पी जाऊंगा। मिस्टर हमाद, मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? हाथ हटाए, हाथ हटाए। सिक्योरिटी को बुलाओ या खुद जाएंगे आप। Get out! छोड़ो मैंने मत तुम्हें। I really apologize, अदनान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इस तरह बिहेव करेगा। कुंडे बात रखे हैं तुम्हें ऑफिस में, मेरी तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अदनान, अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल, इधर आओ बैठो मेरे पास। जारा मैके गई थी, तुम उसे लेने नहीं गए? अम्मी उसे जल्दी आना था, उसने मुझे फोन करके मना कर दिया था, वो खुद ही मेट्रो कैब से आ जाएगी। हैरत है, इतने दिनों के बाद वो मैके गई है और इतनी जल्दी वापस आ गई। इसमें हैरत की क्या बात है अम्मी, उसको आना था जल्दी सो आ गई, आप क्यों परेशान हो रही है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे तुम? जारा ने तुम्हें बताया कि वहां पर क्या हुआ वापस आकर? अम्मी उसे आना था सो वो आ गई, आपको परेशान होने की या कुरेदने की जरूरत? क्यों ना परेशान हो, एक बेटी ससुराल में किस हाल में और एक बेटी ससुराल में क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम। अयाज की जब से मैंने शादी की है उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी मैंने, और हमाद जब से यहाँ से गया है दूसरों की नौकरी कर रहा है, और तुम्हारी औलाद देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, और तुम कहते हो कि मैं परेशान ना हूँ। अम्मी हमारे मसलों का हल परेशान होना नहीं, अगर आपको सबा की इतनी फिक्र हो रही है तो आप वहां जाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेते? मेरा तो दिल तड़प रहा है वहां जाने के लिए, लेकिन तुम्हारे अब्बू की इजाजत नहीं है और मैं नाफरमानी नहीं करना चाहती। सुनो, तुम जाओ वहां और देखो कि सभा किस हाल में है, अहमद का एक्सीडेंट हुआ है उसकी भी खैरियत मालूम कर लेना। मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार अहमद है, मुझे अहमद से नफरत है। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम बीवी के गुलाम हो गए हो? जारा तुम्हें भड़काती उलझाए रखती है अपनी उल्टी सीधी बातों में, ताकि तुम्हें ये एहसास ना हो कि वो बांझ है। यार अली भाई, कुछ करना पड़ेगा। यार ना जाने दादी जी सबा भाभी मुझे इतना पराया क्यों समझते हैं, वरना पैसे तो हैं मेरे पास। अरे पराया नहीं समझते, खुददारी की वजह से मजबूर है। ठीक कहता है यार तू, जो हाथ देने वाले हों वो किसी के सामने फैलाया नहीं करते। भाभी, भाभी ये क्या हालत बना रखी है आपने? मेरी हालत को छोड़ो काशी, मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? किसी तरह अम्मी अब्बू को बुला लो, वो लोग सभा को संभाल लेंगे। या भाभी हमें जरूर करते, मगर ये तो बहुत मुश्किल है। भाभी मैं तो खुद यही चाह रहा था, इसलिए कि सब कुछ खत्म हो गया है और ना दादी जी ना सभा भाभी किसी से मदद लेने के लिए तैयार है। एक काम करो, तुम लोग ये चेक रखो और किसी भी तरह अब्बू या दादी जी को दे देना। भाभी ये पैसे बिल्कुल फजूल है, वो कभी भी नहीं लेंगे। अभी आप ये पैसे अपने पास रखें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता ये सच है कि सबा को कैंसर? अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? रसोली है, कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अरे नेहा भाभी,
थोड़ी देर तो ठहर जाए। अभी नहीं रुक सकती, मैं दोबारा आऊंगी। शाजिया, शाजिया मेरी रिस्ट वॉच नहीं मिल रही, आई डोंट नो यहीं कहीं रखी थी, कहाँ गई यार? कितना तैयार हो कि अपनी ससुराल जा रहे? हाँ एक्चुअली, तुम्हें चलना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि तुम। अयाज जी, फैजल भाई कहीं बाहर जा रहे हो? एक्चुअली यस, आपको कुछ काम है? हाँ, अगर कहीं जा रहे हो तो जरा सभा से मिलते आना, अम्मी बहुत परेशान है। फैसल भाई, मैं कह रही थी कि अम्मी वाकई बहुत ज्यादा परेशान है, क्यों ना हम अम्मी को ही भेज दें? देखो शाजिया प्लीज, तुम इस मामले में मत बोलो। एक्चुअली फैसल भाई, मैं उस अहमद की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं मानता हूँ कि तुम्हें अहमद से नफरत है, लेकिन सभा के बारे में कौन सोचे? तुम्हें कुछ पता है? शुभा है कि उसे कैंसर डायग्नोज हो गया और उसके पास पैसे भी नहीं है इलाज के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप फैसल भाई? मैंने जारा को पैसे देके भिजवाया था, दादी और सभा ने लेने से इनकार कर दिया। अगर सभा अभी की इतनी बुरी हालत है तो आप लोग उन्हें जाके लेके क्यों नहीं आ जाते? जान छुड़ाए उन फकीरों से। चुप हो जाओ शाजिया, ये हमारे घर का मामला है और हम किसी को इजाजत नहीं देते कि हमारे घर के मामले में बोले। और सभा भी प्रेग्नेंट, कैसे लेके आए उन्हें? तो फिर तो उनकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जानी चाहिए ना। वैसे भी बे औलाद औरतों को कोई खास नहीं डालता। अयाज, मैं तुम्हें चेक काट के दे दूंगा, जाके सभा को दे दे। बेशक अहमद से बात करने की जरूरत नहीं भाई, इस तरह अहमद और गुस्से हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं कि मैं शिराज की तरफ जा रहा हूँ, मैं राबिया को चेक दे देता हूँ, वो वहां पहुंचा देगी। चलो ऐसे भी ठीक है। अब तो आप और भी ज्यादा खुशी खुशी जाएंगे राबिया को चेक देने। माय गॉड, यू आर सो। कहां से आ रही हो? मैं सभा को देखने गई थी। सभा जिंदा है अभी तक? आई थॉट के अहमद की हालत देखकर मर गई होगी। अदनान, अपने अंदर से नफरत को खत्म कर दो। तुम जो चाहते थे वो तुमने हासिल कर लिया, अब और क्या चाहिए? मोहब्बत। शायद तुम्हारी मोहब्बत में कुछ कमी है जो मेरे अंदर की नफरत को खत्म नहीं कर पाई। मोहब्बत, अब तो खुद भी ढूंढने लगी हूं मैं उस मोहब्बत को। लगता है हर तरफ नफरत डेरा डाली जा रही है। इसका मतलब है कि नफरत करने लगी हूं मुझे। हाँ, शायद तुम्हारी इंसानियत से नफरत देखकर नफरत होने लगी है मुझे। इंसानियत? तुम चाहती हो कि मैं इंसानियत दिखाऊं? फाइन, जितना चाहे पैसा ले जाकर दे दो अपनी दादी जान और अब्बा जी। उन्हें वो सब कुछ वापस कर दो जो तुमने उनसे छीना है। ब्लैकमेल कर रही हो तुम, मोहब्बत का सौदा कर रही हो, लेकिन भूल है तुम्हारी, जितनी चाहे नफरत कर लो लेकिन मैं रहम नहीं खाऊंगा तुम्हारे उन बेचारे ससुरालियों। जाओ कपड़े चेंज करके आओ।
फैसल भाई अदनान कुछ नहीं, वो आज भी हमें दुश्मन समझता है, अपना दुश्मन। वो समझता है तो समझता रहे, अब तुम मजीद कोई बेवकूफी नहीं करोगे। अगर आप मेरी जगह होते ना और नेहा की वजह से आपका मजाक उड़ाया जाता फिर आप क्या करते? क्या मतलब क्या है आज तुम्हारा? मेरी मामा मुझे फोन पे भड़काती है। तुम्हारी मामा तुम्हें नहीं भड़काती है, तुम उन्हें भड़काती हो मेरे खिलाफ। शक करती हो तुम मुझ पे? बिल्कुल, मैं वाकई तुम पे शक करती हूँ।